वेलकम बैक टू माइंड्स माइंड ट्यूटोरियल। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक माइग्रेशन ऑफ फिशेस। लेकिन माइग्रेशन ऑफ फिशेस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत मैं आपको माइग्रेशन का एक आइडिया दे देती हूँ, उसका मीनिंग क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। सो माइग्रेशन एक इंग्लिश वर्ड है जो कि लैटिन लैंग्वेज या एक तरह के लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग है माइग्रेट, या फिर आप कह सकते हो उसका नाम है माइग्रेट। तो एक लैटिन वर्ड, लैटिन, ठीक है, लैटिन वर्ड का नाम क्या है, माइग्रेयर है, माइग्रेयर। इस माइग्रेयर वर्ड से माइग्रेशन वर्ड डिराइव हुआ है, और जो माइग्रेयर का मीनिंग होता है उसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना या फिर ट्रेवल करना। और जो लॉन्ग जर्नीज होती है यानी लंबे जो रास्ते होते हैं, वो बहुत से एनिमल्स में देखा जाता है कि वो पीरियोडिकली एक रास्ते एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। पीरियोडिकली यानी उनका कुछ टाइम पीरियड होता है पर्टिकुलर, उसके हिसाब से वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। कभी कभी सीजन के हिसाब से भी ये जर्नी को शो करते हैं, इसको हम कहते हैं माइग्रेशन। सो लॉन्ग जर्नीज टेकन बाय सम एनिमल्स पीरियोडिकली फ्रॉम वन एरिया टू अनादर, फॉलोड एट अनादर सीजन या फिर बाय जर्नी इज नोन एज माइग्रेशन। इनफैक्ट माइग्रेशन टू वे जर्नी होती है। माइग्रेशन को हम नॉर्मली समझते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना, लेकिन माइग्रेशन को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये दो वे की जर्नी में डिवाइड हो जाती है। एक को हम कहते हैं इमिग्रेशन और एक को हम कहते हैं एमिग्रेशन। तो पहले तो मैं यहाँ पर एमिग्रेशन लिख देती हूँ, एमिग्रेशन, और दूसरा टर्मिनोलॉजी होता है इमीग्रेशन, इमीग्रेशन। तो अभी एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये हमने माइग्रेशन इन फिशेस हेडिंग जरूर यहाँ डाली है, लेकिन अभी जो मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ वो ओवरऑल जितने भी एनिमल्स माइग्रेशन शो करते हैं, क्योंकि जरूरी तो नहीं सिर्फ फिशेस शो करते हैं, बर्ड्स भी शो करती है माइग्रेशन। तो बर्ड्स, टर्टल्स, फिशेस, ये सभी माइग्रेशन शो करते हैं। तो ओवरऑल सारे एनिमल्स के लिए जो आप इंट्रोडक्शन यूज करोगे, जो अभी मैं यहाँ पर पिंक पेन से आपको समझा रही हूँ, वही पिंक पेन से माइग्रेशन का इंट्रोडक्शन आप सारे एनिमल्स में यूज कर सकते हो। फिशेस के ऊपर अभी प्रिसाइसली हम जब स्टार्ट करेंगे मैं आपको वहां पर बता दूंगी वो वाली बात। तो एमिग्रेशन इमिग्रेशन दो तरह के होते हैं, या आप कह सकते हो माइग्रेशन टू वे जर्नी होती है। तो आउटवर्ड और इनवर्ड जर्नी, अगर आउटवर्ड जर्नी यानी एक जगह से बाहर निकल के किसी और जगह जा रहे, मान लीजिए ये मेन घर है, आप अपने घर का एग्जांपल ले सकते हो, ये आपका घर है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर आपका स्कूल है, ये स्कूल है। तो घर घर जो है ये होम है आपका, यहाँ पर होम लिख देती हूँ, ये स्कूल है। तो घर से आप स्कूल की तरफ बाहर जा रहे हो तो मान लीजिए ये एमिग्रेशन, हालांकि ये कोई माइग्रेशन नहीं होता, आप हमेशा के लिए स्कूल नहीं जाते हो, सिर्फ कुछ वक्त के लिए, लेकिन एग्जांपल देने के लिए समझा सकती हूँ। तो मेन जगह से जब आप किसी और जगह जा रहे हो तो उसको एमिग्रेशन, और स्कूल से या वापस से घर की तरफ अगर आप लौट कर आ रहे हो तो आप इसको इमिग्रेशन कह सकते हो। तो आउटवर्ड जर्नी यानी बाहर जाने वाली जर्नी को एमिग्रेशन कहते हैं, आउटवर्ड जर्नी, और इमिग्रेशन यानी इनवर्ड जर्नी, वापस आना, इनवर्ड जर्नी। आई एम रियली सॉरी फॉर दी हैंड राइटिंग राइट नाउ, क्योंकि प्रॉपर आ नहीं रही है, वो पेन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो आपको ये समझना होगा, एमिग्रेशन एक तरह के आउटवर्ड जर्नी है जो कि फीडिंग प्लेस से ब्रीडिंग ग्राउंड तक होती है। अब अगर आप माइग्रेशन की टर्मिनोलॉजी में, आप ये तो नहीं कह सकते, आपसे कोई वाइवा में पूछ लेता है कि एमिग्रेशन क्या होता है, आप कहते हैं हम होम से स्कूल जा रहे हैं, इसको हम एमिग्रेशन के एग्जांपल ले लेते हैं, या आउटवर्ड जर्नी होती है, ये सफिशियंट नहीं होगा। एमिग्रेशन की प्रॉपर डेफिनेशन आपको वहां पर देनी होगी। तो एमिग्रेशन की प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, अब उसकी डेफिनेशन कहती है एमिग्रेशन की, ठीक है, ये एमिग्रेशन की बात कर रहे हैं, फीडिंग प्लेस से ब्रीडिंग प्लेस तक जाना, ब्रीडिंग प्लेस तक जाना, इसको कहते हैं एमिग्रेशन। वही इमिग्रेशन एक तरह की इनवर्ड या फिर रिटर्न जर्नी है जो कि ब्रीडिंग प्लेस से वापस होमलैंड की तरफ आना है। तो इसमें क्या होता है, ब्रीडिंग प्लेस से होमलैंड की तरफ वापस आना इज नोन एज इमिग्रेशन। तो एमिग्रेशन, इमिग्रेशन की डेफिनेशन आपको आ गई है। माइग्रेशन की अगर मैं एक और थोड़ी सी बात करूं तो माइग्रेशन जो होता है, माइग्रेशन जो होता है ये एक तरह का इननेट बिहेवियर है। अब इननेट बिहेवियर क्या बिहेवियर होता है, जो हमें बाय बर्थ, हम जब पैदा होंगे, हमारी बर्थ होंगी, जब से हमें जो बिहेवियर ऑटोमेटिकली देखने को मिलता है उसको इननेट बिहेवियर कहते हैं। अगर नहीं पता इननेट बिहेवियर क्या होता है, आप चैनल पर जाकर माइंड्स माइंड ट्यूटोरियल्स के चैनल की इथोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है, एनिमल बिहेवियर की प्लेलिस्ट, उसमें आप चेक करेंगे तो आपको इननेट और रिफ्लेक्स दोनों बिहेवियर्स के वीडियो वहां मिल जाएंगे, आप उसको वहां से क्लियरली समझ सकते हैं। ये बात यहां क्लियर होगी। और दूसरी बात, ये एक तरह का इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है, इंस्टिंक्टिव
बिहेवियर, समझ में आ रही बात। और ये एक तरह का स्पीशीज स्पेसिफिक भी होता है, यानी ऐसा नहीं होता है कि फिशेज जैसा माइग्रेशन शो करेंगी वैसे ही माइग्रेशन बर्ड्स भी शो करेंगी, ऐसा नहीं होता। हर स्पीशीज के अंदर, और बल्कि फिश के अंदर भी स्पीशीज वाइज, फिश में जैसे सामान है, हिल्स है, वो भी अलग अलग तरह का माइग्रेशन शो कर सकती है। तो ये कैसा होता है, स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। हर स्पीशीज के अंदर अपना खुद का तरह का माइग्रेशन होगा। तो ये तीन पॉइंट बिल्कुल नहीं भूलना है। और जितने तरह के एनिमल्स माइग्रेशन शो कर सकते हैं उसका एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बता देती हूँ। बटरफ्लाइज, फिशेस, टर्टल्स, बर्ड्स, मैमल्स, जिसमें कैरिबो, विल्ड बीस्ट, व्हेल्स, ये सब जो एनिमल्स होते हैं वो माइग्रेशन शो करते हैं। माइग्रेटरी स्पीशीज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पीरियोडिकली जर्नीज को समझ के माइग्रेशन आसानी से कर लेती हैं। तो ये ओवरऑल जो इंट्रोडक्शन होना था या जो इंट्रो होना था वो आपके पास आ चुका है। इंट्रोडक्शन ये आपके पास आ गया। ये सारे एनिमल्स के लिए इंट्रोडक्शन आप यूज कर सकते हैं। जितना भी हमने यहाँ देखा ये सारे एनिमल्स के लिए आप यूज करेंगे। अब मैं स्पेसिफिक होकर फिशेस को एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर। तो फिशेस की बात करेंगे अब हम। सो माइग्रेशन इन फिशेस की हेडिंग हमने ले ली है। यूजुअली फिशेस जो होती है वो कांस्टेंट हैबिटेट में ही रहना पसंद करती है, यानी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना अच्छा वैसे नहीं लगता, कांस्टेंट हैबिटेट में ही रहना पसंद करती है। तो ज्यादातर आदतें, यूजुअल आदतें क्या है, कांस्टेंट हैबिटेट के अंदर रहना, एक ही जगह पर रहना इन्हें पसंद होता है। ये अपने मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करके रखती है विद इन अ पर्टिकुलर टेरिटोरियल लिमिट, बट एक्सेप्शनली फिर भी कुछ ऐसी फ्यू फिशेज होती हैं जो कि फ्रेश वाटर से सी वाटर तक जाती हैं, और सी वाटर से कुछ ऐसी फिशेज भी होती हैं जो फ्रेश वाटर तक आती है। तो ज्यादातर कॉन्स्टेंट हैबिटेट रहता है फिश का, वो अपनी टेरिटोरियल बिहेवियर को शो करती है, यानी टेरिटरी बना के रहने वाला जो बिहेवियर होता है तो टेरिटरी बना के रखती है। उस टेरिटरी से बाहर जाना फिशेज को पसंद नहीं होता, बट एज यू ऑल नो That exceptions are always there. तो यहाँ पर exception होने की वजह से migration कुछ fishes में देखने को मिलता है। और migration normally जिस तरह से होता है वो कैसे होता है, आप समझिए, एक होता है sea water यानी कि marine water से fresh water में जाना, fresh water में जाना, मैं इसको H2O लिख देती हूँ, H2O, और ऐसा भी हो सकता है fresh water से sea water में आने वाली species भी हो सकती है। तो migration इस तरह से दो तरह का main होता है। सो मैच्योर एडल्टरी माइग्रेटरी फिशेज जो होती है, एडल्ट माइग्रेटरी फिशेज जो होती है मेनली स्पॉनिंग और ब्रीडिंग के लिए माइग्रेशन शो करती है। इनका पर्पस क्या होता है माइग्रेशन का, तो ब्रीडिंग और स्पॉनिंग ये दो ऐसे पर्पस है जिसकी वजह से फिशेज जो होती है वो माइग्रेशन शो करती है। तो कोई पूछ ले आपसे कि पर्पस बता देना है माइग्रेशन का, तो पर्पस ये दो होते हैं, ब्रीडिंग एंड स्पॉनिंग, ये याद हो गया। और वो भी कौन करता है ये माइग्रेशन का वर्क, ये सिर्फ एडल्ट फिशेज करेंगी, बट ऑब्वियसली एडल्ट फिशेज ही माइग्रेशन शो करेंगी क्योंकि उनको ही ब्रीडिंग स्पॉनिंग परफॉर्म करनी होगी वहां पर। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सामन में साल्मो और ऑनिकोरिनकस और ईल जिसको हम एंग्विला कहते हैं, ये दो फेमस माइग्रेटरी फिशेज है ट्रू सेंस के अंदर। सबसे फेमस अगर एग्जाम्पल कोई माइग्रेशन ऑफ फिशेज में आता है तो एक होता है सामन का और दूसरा होता है ईल का, बिल्कुल मत भूलना। दो सबसे फेमस एग्जाम्पल्स और भी हो सकते हैं लेकिन दो फेमस ये दो होते हैं, ईल, सामन और ईल, बहुत फेमस है ट्रू सेंस के अंदर। अगर कोई माइग्रेशन शो करता है फिशेस में तो ये दो फिशेस ही होती है, सामन एंड ईल, समझ वाली बात। अब मैं टाइप्स ऑफ फिश माइग्रेशन को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। दो तरह के मेन होते हैं, और भी आपको टर्मिनोलॉजीज मिल जाएंगी, अलग अलग तरह की टर्मिनोलॉजीज होती है इसके अंदर, लेकिन दो सबसे ज्यादा जो मेन होते हैं हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर। तो पहला होता है एनाड्रोमस माइग्रेशन और दूसरा होता है कैटाड्रोमस माइग्रेशन। और ये जो टाइप्स ऑफ माइग्रेशन मैं आपको बता रही हूँ, एक तो ऊपर मैं लिख देती हूँ, ये टाइप्स बता रही हूँ मैं आपको, ये जो टाइप्स मैं आपको बता रही हूँ माइग्रेशन के, ये ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के बेसिस पर है। तो क्राइटेरिया कौन सा यूज कर रहे हो ये टाइप के अंदर, आप डायरेक्शन का क्राइटेरिया यूज कर रहे हो कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ये जो क्राइटेरिया दिया था जिन साइंटिस्ट ने दिया था आपको, ये हर टीचर बताएगा एनाड्रोमस बताएंगे कि एनाड्रोमस कैटाड्रोमस किस तरह का माइग्रेशन होता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए साथ में कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टर्मिनोलॉजीज बताई थी। तो उनका नाम था मेयर्स, MYERS, 1949 की बात थी, 1949। और उन्होंने कहा दो तरह के मेन पैटर्न्स होते हैं फिश माइग्रेशन के, मेन पैटर्न्स ये दो ही होते हैं, फर्स्ट वन इज एनाड्रोमस एंड द सेकेंड वन इज कैटाड्रोमस। एनाड्रोमस को समझते हैं, जब मराइन फिशेज सी वाटर से फ्रेश वाटर में जाती है स्पॉनिंग परफॉर्म करने के लिए तो उसको कहते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। क्या कहा मैंने, मराइन फिशेस यानी सॉल्टी वाटर में रहने वाली फिशेस को मराइन फिशेस कहते हैं। जब मराइन फिशेस सी से रिवर की तरफ जाती है, रिवर एक तरह का फ्रेश वाटर सोर्स होता है, सी क्या होता है एक तरह का मराइन सोर्स होता है, और रिवर क्या होता है एक तरह का फ्रेश वाटर सोर्स होता है। तो जब सी से रिवर की तरफ
मराइन फिशेस जाती हैं तो इसको क्या कहते हैं, एनाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। क्यों जाती है? स्पॉनिंग परफॉर्म करने जाती है, ब्रीडिंग परफॉर्म करने जाती है। और इस एनाड्रोमस माइग्रेशन को कभी कभी आपको एनाड्रोमी भी कहा जा सकता है, एनाड्रोमी। समझ में आ रही बात? उसी तरह से कैटाड्रोमस को भी मैं कैटाड्रोमी कह सकती हूँ, कैटाड्रोमी। अब इसको समझते हैं, जो फ्रेश वाटर फिशेज होती है, अब यहां पर आएगा फ्रेश वाटर फिशेज जो होती है, फ्रेश वाटर फिशेस, जब फ्रेश वाटर फिशेस रिवर से सी की तरफ जाती है, रिवर से कहाँ जा रही है, सी की तरफ जाती है स्पॉनिंग परफॉर्म करने के लिए, तो उसको कैटाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं या कैटाड्रोमी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आते हैं, पहले वाले के एग्जाम्पल में आते हैं सामन, ऐसे ऐसे याद रख लेना, इसका शुरुआत भी ऐसे हो रही है, इसकी शुरुआत भी ऐसे हो रही है, तो सामन। और दूसरा है बचा हुआ ईल था, तो ईल है यहाँ पर, ऑटोमेटिकली आप डाल देना। ये दो मेन हिस्से, दो का एग्जाम्पल हमने यहाँ ले लिया और ये बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, ये दो बिल्कुल बेस्ट है। अब मैं यहाँ पर आपको माइग्रेशन जो है सामन फिश का वो एक्सप्लेन करूंगी। तो ये तो माइग्रेशन इन फिशेस का इंट्रोडक्शन हो गया, पहले हमने माइग्रेशन इन एनिमल्स का इंट्रोडक्शन देखा, अब हम फिशेस का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। अब हम लोग किसके साथ स्टार्ट करें, यहाँ पर ये वाली पॉइंट ओवर हो गई, तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं माइग्रेशन इन सामन के साथ, माइग्रेशन, माइग्रेशन इन सामन। सामन कहते हैं इसको, कुछ बच्चे मैंने देखा उनको सालमन कहते हैं, प्लीज सालमन मत कहें, बहुत अजीब सा साउंड करता है वो। तो माइग्रेशन इन सामन को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स पे फोकस करवाती हूँ। सबसे पहला माइग्रेशन जो होता है सामन फिश का, वो एक तरह का एनाड्रोमस माइग्रेशन होता है, एनाड्रोमस माइग्रेशन, जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा था। एडल्ट सामन जो रहती है वो कहाँ पर रहती है, तो वो एटलांटिक और पैसिफिक ओशन में रहती है। तो ऑलरेडी कहाँ रहती है, पहले वो जो एडल्ट फिशेज होती है उनकी बात कर रहे हो आप, एडल्ट सामन की फिशेज, एडल्ट सामन की बात कर रहे हो आप, पहले ये कहाँ रहती है, ये रहती है एटलांटिक, एटलांटिक या फिर आप कह सकते हो पैसिफिक ओशन के एरियाज में रहती है, पैसिफिक ओशन। ये तो उसकी ओरिजिनल प्लेस हो गई जहां वो रहती है, जिसको हम सी कह सकते हैं। और उसके बाद वो माइग्रेट करके कहां जाती है, रिवर में जाती है। तो रिवर सिस्टम में जाएगी, तो वो कौन सी रिवर में जाती है, जो रिवर स्ट्रीम्स होती है वेस्टर्न यूएसए की, वेस्टर्न यूएसए की, वहां जाती है और कैनेडा में भी जाती है, कैनेडा की रिवर्स में जाती है, कैनेडा रिवर स्ट्रीम्स में जाती है, स्ट्रीम्स में जाती है। आई होप क्लियरली समझ में आता जा रहा होगा। और क्यों जाती है, स्पॉनिंग करने जाती है, एग्स को ले करने जाती है। वहां पर टोटल 9 स्पीशीज होती है सामन की, ये भी पता होना चाहिए, कितनी स्पीशीज होती है, 9 स्पीशीज, 9 ऐसी स्पीशीज होती हैं जिसके बहुत इंपॉर्टेंट आती है सामन के अंदर। और वो सारी 9 स्पीशीज जो है वो दो ही जेनरा में फॉल करती है, दो जेनरा के अंदर 9 स्पीशीज है, 9, और किसमें, दो जेनरा में फॉल करती है सारी 9 स्पीशीज। एक होती है, अब वो जो दो जेनरा होते हैं उनके नेम्स आपको बता देती हूँ, 9 स्पीशीज तो मैं नहीं बता रही हूँ लेकिन दो जेनरा आपको बता देती हूँ, एटलांटिक, एटलांटिक सामन, एटलांटिक सामन, जिसको साल्मो सालर भी कहते हैं, साल्मो सालर, ठीक है। और दूसरा यहां पर होता है पैसिफिक सामन, पैसिफिक सामन, समझ वाली बात, उसको कहते हैं ओनिको रिनकस, ओनिको रिनकस की सच, की सच, के आई एस यू टी सी एच, की सच, ओनिको रिनकस की सच, समझ वाली बात। अब जो सामन होती है वो स्कूल्स के अंदर माइग्रेट करती है। अब आप बोलेंगे वो स्कूल कैसे जाती है, फिशेस तो स्कूल जा ही नहीं सकती, वो कोई इंसान थोड़ी जो स्कूल जाएगी, तो वो वाला स्कूल नहीं है, हम ग्रुप्स को स्कूल कहते हैं। मैंने ऑलरेडी सोशल बिहेवियर इन एनिमल्स भी स्टार्ट करा है, इथोलॉजी में एक ही वीडियो डाला है अभी, हालांकि उसके ऊपर अपलोड किया है, तो वो जो एक वीडियो है अगर आप उसको देखोगे तो उसमें मैंने स्कूलिंग इन फिशेस को ही एक्सप्लेन करा है। तो आपको नहीं पता स्कूलिंग इन फिशेस क्या होती है, आप इथोलॉजी की ही सेम प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे, आपको वहां पर स्कूलिंग इन फिशेस का एंड अगर मुझे जहां तक सही याद है ग्रीन कलर का थंबनेल है, तो आपको उससे पहचान भी मिल जाएगी उसकी, तो स्कूलिंग इन फिशेस वहां से समझ सकते हो। तो बैक टू द पॉइंट, जो सामन होती है वो स्कूल्स में माइग्रेट करती है, यानी ग्रुप बनाकर माइग्रेट करती है, तो स्कूल बनाकर माइग्रेट होता है, सॉरी, तो स्कूल बना के माइग्रेट करती है। और मेनली स्पॉन करने का जो टाइम पीरियड होता है वो नवंबर और दिसंबर का होता है, नवंबर एंड दिसंबर, ये दो ऐसे सीजन्स कह सकते हो या आप मंथ्स कह सकते हो जिसके अंदर ये माइग्रेट करेंगी, समझ वाली बात। एडल्ट सामन ट्रेवल करती है 700 किलोमीटर्स को के सी के और फिर फ्रेश वाटर पहुंचती है, क्योंकि आसान बात तो नहीं है कि यहाँ से एटलांटिक पैसिफिक ओशन से वेस्टर्न यूएसए और कनाडा की स्ट्रीम्स तक ये जा रही है, तो
कितने किलोमीटर्स हो जाएंगे, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स हो जाएंगे यहाँ पर, बहुत ज्यादा किलोमीटर्स ट्रेवल करके ये वहां तक पहुंचती है, ये आपको पता होना चाहिए था। और जैसे ही फ्रेश वाटर तक पहुंचती है तो आप खुद सोचिए इतनी दूर से ये स्विम करती हुई यहां तक आ रही है, तो इनका जो वेट होता है वो बहुत ज्यादा लूज हो जाता है, तो इस बीच में ये वेट लॉस भी कर देती हैं बहुत सारा। यहां से निकलेगी तो उनका जो वेट होगा मान लीजिए इतना है, तो यहाँ जाकर वो इतना से ही वेट रह जाएगा, ये आपको समझना होगा यहाँ पर। और फिर जाकर वो फ्रेश वाटर तक पहुंचती है। अब ये करने के अंदर उनको एनर्जी भी बहुत ज्यादा लगती है, तो एनर्जी उनको कौन देता है, तो जब वो यहाँ से एटलांटिक ओशन से निकली थी तो इस जगह पर उनके अंदर फैट डिपॉजिट्स थे। क्या था उनके पास, फैट डिपॉजिट से बहुत ज्यादा फैट था उनके पास, तो इस रास्ते के अंदर वो फैट में से वो एनर्जी को कंज्यूम करती जाती थी और फिर यहाँ पर पहुंच गई। और जब फैट पूरे रास्ते उसने कंज्यूम करा तो जब वो रिवर तक पहुंची तो उसका वेट बहुत छोटा रह गया, नेग्लिजिबल तो नहीं कह सकते, बहुत कम रह गया, ये समझ सकते हो आप। अब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो यहाँ पर राइपन होते हैं, उनकी एलिमेंट्री कैनाल श्रिंक कर जाती है, ये सारी चीजें भी इस बीच में हो जाती होंगी, वो वहां जाकर उन्हें पूरा माइग्रेशन करके हो रही है, स्पॉनिंग करने के लिए कर रही है, तो इस बीच अच्छे से डेवलप होके ही वो वहां तक रिवर्स स्ट्रीम तक पहुंचती है। तो जब पहुंचती है तो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स राइपन हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्पेलिंग तो आपको आती होगी, तो मैं RO लिख रही हूँ। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनके राइपन कर जाते हैं, ठीक है, यानी कि रेडी रहते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। और दूसरी चीज आप लिख सकते हो, इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल वो इनकी श्रिंक कर जाती है। समझ में आ रही बात। अब उनकी जो थोड़े अपीयरेंस की बात कर ले अगर हम सामन की, तो इनकी अपीयरेंस ऐसी होती है ब्राइट सिल्वरी कलर की होती है इन केस ऑफ पैसिफिक सामन। अगर आप पैसिफिक सामन को देखेंगे, पैसिफिक सामन अगर आप इसकी बात करोगे, पैसिफिक सामन की, सामन की स्पेलिंग में ये ओ है वो थोड़ा सा आर जैसा दिखाई दे रहा है, आप इसको क्लियर कर लेंगे, तो जो पैसिफिक सामन होती है बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, पैसिफिक सामन जो होती है वो कौन से कलर की होती है, ब्राइट सिल्वर कलर की, ब्राइट सिल्वर कलर की होती है। उसके बाद जब जाती लगती है रिवर की तरफ तो इनका कलर ब्राइट सिल्वर से चेंज होकर डल रेडिश ब्राउन का हो जाता है, डल रेडिश ब्राउन शेड हो जाता है, डल रेडिश ब्राउन शेड हो जाता है। ब्लैक स्पॉट्स इनके ऊपर आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये है फिश, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं ब्लैक स्पॉट्स आ जाएंगे, येलो दिखाई दे रहा है लेकिन वो ब्लैक समझ लीजिए आप। फीमेल सामन के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स आते हैं और जो मेल सामन होता है उस पर रेड स्पॉट्स आते हैं, ये भी याद रखना। तो फीमेल जो होती है उस पर कौन से आ रहे हैं, ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ जाएंगे, ब्लैक स्पॉट्स, और जो मेल होता है इनका उसके अंदर रेड स्पॉट्स आ जाते हैं, रेड स्पॉट्स मेल के ऊपर, ब्लैक स्पॉट्स फीमेल के ऊपर। और अपवर्ड जर्नी की तरफ ये जब एमिग्रेशन करती है तब ये देखने को मिलता है, जब ये यानी कि ओशन से स्ट्रीम की तरफ जा रही है तब ये वाले स्पॉट्स इनके अंदर आते हैं एमिग्रेशन के दौरान, ये होता है एमिग्रेशन, अभी तो ये एमिग्रेशन है। जब वो पलट कर आएंगे रिवर्स स्ट्रीम से वापस पैसिफिक ओशन की तरफ तो उसको हम इमिग्रेशन कहेंगे, तो जब एमिग्रेशन होता है, एमिग्रेशन उस टाइम पे ये सारे चेंजेस इनमें देखने को मिलते हैं, ये आपको समझना है यहाँ पर। और इस तरह का जो मेल ब्रीडिंग सामान होता है उसको रेड फिश कहते हैं, क्योंकि उस पर रेड स्पॉट्स आ जाते हैं तो उसको कहते हैं ये रेड फिश है। और जो ब्लैक स्पॉट्स वाली फीमेल्स होती है वो डार्कर राइप फीमेल्स कहलाती है, या फिर उनको आप ब्लैक फिशेस भी कह सकते हो, ब्लैक फिशेस। तो रेड फिशेस, ब्लैक फिशेस, कभी कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए सामान को कब ब्लैक फिशेस कहते हैं कब रेड फिशेस कहते हैं, समझ में आई बात। अब जब ये अपस्ट्रीम जर्नी शो करती है यानी कि वापस से रिवर्स स्ट्रीम से पलट कर पैसिफिक ओशन की तरफ जब ये जाती है तब ये क्या करती है, तो ये बैटल करती है स्ट्रॉन्ग करेंट्स के अपोजिट और वाटरफॉल्स को लीप करती है, और सॉरी मैंने उल्टा कह दिया, अपस्ट्रीम कह रही थी ना मैं, तो ये वाला, अब ये वाला पॉइंट इसको यहाँ से हटा देंगे एक सेकेंड, ठीक है। तो ये अभी यहीं की बात चल रही है, पैसिफिक से रिवर्स स्ट्रीम में, अभी मैं वापस रिवर्स स्ट्रीम से आप पैसिफिक की तरफ मत जाइए, अभी नॉर्मली रिवर तक ही पहुंच रहे हैं हम, ये समझिए। तो जब ये रिवर तक पहुंचती है तो उसमें क्या होता है कि स्पॉनिंग ग्राउंड्स आ गया, स्पॉनिंग ग्राउंड्स आ जाते हैं बड़ी मुश्किल से, स्पॉनिंग ग्राउंड्स तक पहले तो ये पहुंचती है और फिर वहां जाके सैंड को ढूंढती है, किसको ढूंढती है, सैंड को, सैंड ढूंढ कर वहां पर एग्स को ले करती है। सुटेबल स्पॉनिंग ग्राउंड सारी फिशेस अपने अपने ढूंढ लेती है, पेयर्स बना लेते हैं ये लोग वहां जाकर, मेल और फीमेल आपस में पेयर बना लेते हैं और फिर मिलकर ये सारा काम करते हैं ढूंढने का। उसके बाद जो फीमेल होती है वो एक शेलो सॉसर शेप्ड नेस्ट बनाती है, सॉसर जैसा नेस्ट, आपने देखा होगा ना टी कप के साथ जो प्लेट लगा के आप
चाय, अगर किसी लोगों को लगता है ना चाय को प्लेट के थ्रू पीते, तो वो प्लेट नहीं कहना चाहिए उसको एक्चुअली। अगर उसके प्रॉपर टेक्निकली हम वर्ड की बात करें तो उस प्लेट को सॉसर कहते हैं। तो सॉसर का शेप आपको पता होगा ना, जिसमें हम टी रखते हैं ऐसे, टी फॉर एग्जाम्पल, ये टी है, टी को थोड़ा प्रॉपर बना देती हूँ, टी इस टाइप से रहती है टी। तो इसके नीचे ये जो प्लेट जिसको हम कहते हैं वो क्या होता है, वो सॉसर होता है, SAUCER, सॉसर, SAUCER। तो सॉसर शेप का नेस्ट वहां पर फीमेल्स बनाती है, और वहां पर ये एग्स को ले करते हैं, मेल वहां पर स्पर्म्स को रिलीज करता है, आकर एग्स को फर्टिलाइज किया जाता है। जब स्पॉनिंग हो जाती है तो फिर रिटर्न जर्नी होती है, यहाँ पर स्पॉनिंग हो गई, स्पॉनिंग का प्रोसेस हो गया, अब होगी रिटर्न जर्नी, पलट कर वापस भी तो जाना है अब ओशन की तरफ, यानी कि रिवर्स से वापस सी की तरफ जा रहे हैं, तो उसको इमिग्रेशन कहते हैं। तो जब ये वापस पलट कर आने लगते हैं तो ये नॉर्मल कंडीशंस में आने लगते हैं, ये रास्ते में यहाँ से जब ये इधर से इधर जा रहे थे इनके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स, रेड स्पॉट्स आ रहे थे, लेकिन अब ये वापस इस एरिया से इस एरिया में जाते हैं तो ये वापस सिल्वर कलर के होने लगते हैं। तो इमिग्रेशन के दौरान वापस से ये सिल्वर कलर के होते हैं, ग्रेशन के दौरान, समझ में आ रही बात। सामन जो रहती है डज नॉट यूजुअली स्पॉन मोर देन 3 टाइम्स इन इट्स लाइफ स्पान ऑफ 8 और 9 ईयर्स। इनकी जिंदगी या इनकी लाइफ स्पान वैसे तो 8 से 9 ईयर्स की होती है, और उस 8 से 9 ईयर्स में भी 3 बार से ज्यादा ये स्पॉनिंग शो नहीं करती, क्योंकि इतना बड़ा रास्ता क्रॉस करने में आधी जिंदगी इनकी चली जाती, तो 3 बार से ज्यादा इनमें स्पॉनिंग का प्रोसेस नहीं देखने को मिलता। इनकी लाइफ साइकिल का टाइम पीरियड 8 to 9 ईयर्स होता है ओनली, ये समझ में आ गया। अब जब ये रिटर्न जर्नी करती हैं तो ये उस दौरान ये आराम से डिस्क्रिमिनेट कर लेती है, यानी पहचान लेती है कि जो वाटर है वो इनकी नेटिव स्ट्रीम से है या नहीं है, या इनकी ट्रिब्यूटरी से है या नहीं है। इनको ये भी पता होता है कि इनकी बर्थ प्लेस पे क्या सेंट है, यानी कि अगर कोई बड़ी, क्योंकि देखिए जो बड़ी फिश है वो भी तो पहले जाकर, वो भी कहीं ना कहीं वहीं उनकी स्पॉनिंग हुई होगी, जब जाके तो वो बड़ी हुई है, तो उसको ये हर छोटे बच्चे को ये पता होता है कि उसकी बर्थ प्लेस क्या थी, वो कौन सी रिवर में था, उसको एक सेंट अपना खुद का महसूस होता है उस रिवर के अंदर, ताकि वो जब खुद भी बड़ा हो जाए तो वहां जाकर स्पॉनिंग परफॉर्म कर पाए। तो ये जो सेंट होता है ऑफ देयर बर्थ प्लेस फ्लोस ऑल अलोंग द माइग्रेटरी रूट, सो इट इज नॉट एसेंशियल फॉर दी सामन टू रिमेंबर लैंडमार्क्स। जैसे आप सोचिए, आपको स्कूल जाना होता था या कभी किसी नए रास्ते पे जाते हैं, आप किसी जगह जाना है तो आप वहां पर लैंडमार्क्स सोच लेते हैं, वहां एक पेड़ आएगा तो हम लोग लेफ्ट टर्न ले लेंगे, फिर एक घर आएगा तो हम राइट टर्न ले लेंगे, ऐसे याद कर लेते हैं हम लोग। इसको क्या कहते हैं हम, लैंडमार्क्स के थ्रू याद करें, किसके थ्रू, लैंडमार्क्स, लैंडमार्क्स। तो अब ये जो सामन होती है इनको लैंडमार्क याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, पहली बात तो ये पानी में, पानी में कौन सा लैंडमार्क देखेंगे, पत्थर और पेड़, इसके अलावा तो कोई लैंडमार्क रह भी नहीं सकता। तो इनको गॉड ने क्या प्रोवाइड करा है, इनको सेंट प्रोवाइड करा है, सेंट, इनकी एक अलग ही सेंट होती है, इनकी एक अलग ही स्मेल होती है, सेंट, ठीक है, जैसे फेरोमोन्स होते हैं ना उसी तरह से। तो वो जो सेंट होता है उसके बेसिस पर इन्हें पता होता है इनकी बर्थ प्लेस क्या थी, तो एडल्ट फिशेस खुद ब खुद अपनी बर्थ प्लेस पर जाकर ही स्पॉनिंग को परफॉर्म कर लेती हैं। तो द सेंट ऑफ देयर बर्थ प्लेस फ्लोज ऑल अलोंग द माइग्रेटरी रूट, सो इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द सामन टू रिमेंबर लैंडमार्क्स ऑल अलोंग द आउटवर्ड जर्नी, दैट इज इमिग्रेशन। इमिग्रेशन के टाइम पे आराम से उस जगह तक पहुंच जाते हैं, और जब सामन ट्रांसफर होती है अनादर स्ट्रीम में आफ्टर द पीरियड ऑफ इम्प्रिंटिंग, दे रिटर्न टू देयर नेटिव ट्रिब्यूट, सॉरी ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी कहना चाहिए। मान लीजिए कि ये यहाँ तक, मान लीजिए कोई वेस्टर्न यूएसए की रिवर स्ट्रीम में किसी को स्पॉनिंग करनी थी, लेकिन अब सारा जो स्कूल है फिश का वो यहाँ पर कनाडा की स्ट्रीम तक भी जा रहा है, कोई कोई तो कनाडा के भी होंगे तो वहां तक जा रहा है, तो अब ये इनके साथ तो चले जाएंगे, तो इनको उसके बाद भी रास्ता याद रहता है, ऐसे की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो दो कॉमन स्पीशीज सामन कौन कौन सी थी वो आपको पता है, अटलांटिक सामन और पैसिफिक सिल्वर सामन थी। एटलांटिक सामन को सालमन सैलार कहते हैं, पैसिफिक सिल्वर सामन को ओनिकोराइनकस कीसच कहते हैं। सिंगल सामन स्मोल्ट माइग्रेटरी स्टेज होती है, आप नेट पे इसका डायग्राम सर्च करिएगा। फिर और भी कुछ ऐसे सामन्स होते हैं ये ग्रुप में माइग्रेट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्कूल्स कहते हैं, ये सारी बातें अब आपको ऑलरेडी पता है। फिर जब ये सारी सामन 1 साल की हो जाती है, 1 ईयर की, मैं थोड़ा सा ना यहाँ पहले तो एरिया को क्लियर करती हूँ, बहुत ज़्यादा हॉश पॉश हो रहा है, और आई होप आपने सारी चीजें नोट कर ली हो। अब यहाँ से हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 ईयर की, जब सामन 1 ईयर की होती है तो वो मैच्योर हो जाती है, और उसको स्मोल्ट कहते हैं। मैच्योर होने का टाइम कब होता है, 1 साल की होते ही ये लोग मैच्योर हो जाते हैं, यानी ब्रीडिंग परफॉर्म कर सकते हैं, और 1 साल की सामन फिशेस को स्मोल्ट कहते हैं। और ये माइग्रेट करती है ओशन की तरफ, और वहां पर एडल्ट पूरी तरह एडल्ट डेवलप होती है, रास्ते में डेवलप होती है, जैसे मैंने आपको बताया था एडल्ट के फेस में जॉज और स्केल थोड़े लार्जर होते हैं, उसकी बॉडी थोड़ी लॉन्गर स्ट्रॉन्गर और ब्राइटर होती है। समर के अंदर ये 1 साल के हो जाते हैं और मैच्योर होकर
स्मॉल साइज से डबल हो जाते हैं और रेड कलर के होने लगते हैं। सामान जो होता है वो अपनी जर्नी होम की तरफ करने लगती है। इस तरह की सारी चीजें एक बाद एक होती जाती है इनके लाइफ में। एटलांटिक सामान जो रहती है वो अपस्ट्रीम स्पॉनिंग जो रहती है वो ब्रीडिंग माइग्रेशन के लिए ईयर आफ्टर ईयर कर सकती है, लेकिन जो पैसिफिक सामान होती है वो सिर्फ सिंगल स्पॉनिंग शो करती है, और स्पॉनिंग के बाद मेल और फीमेल अलग अलग रिवर्स में चले जाते हैं और वहीं उनकी डेथ होती है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप सुनते जाए, बस इसको लिखना नहीं है आपको। फिर जो किंग सामन होता है ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका ट्रेवल्स अबाउट 3600 किलोमीटर फ्रॉम सी इन ऑर्डर टू रीच द रिवर्स टू स्पॉन। एक किंग सामन होती है, थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रही हूँ आपको। किंग सामन एक ऐसा फिश होती है जो कि 3600 किलोमीटर सी को पार करती है और फिर रिवर्स तक पहुंचती है, फिर वहां जाकर स्पॉनिंग परफॉर्म करती है। हाउएवर ऑल ऑफ देम डाई आफ्टर स्पॉनिंग। जैसे ही सी पे पहुंच के स्पॉनिंग परफॉर्म कर लेती तो इन सारी किंग सामन की डेथ हो जाती है। यहाँ ना कोई मेल बचता है ना कोई फीमेल बचता है, तो किंग सामन की जिंदगी तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। सामन भी बहुत सारी तरह की होती है। सी से जब ये रिवर की तरफ जाते हैं तो ये रास्ता इनका 3600 किलोमीटर तक का होता है, और जैसे ही ये रिवर तक पहुंचते हैं अपनी स्पॉनिंग को परफॉर्म करते हैं, स्टेपिंग लिख दिया, स्पॉनिंग को परफॉर्म करते हैं, स्पॉनिंग को परफॉर्म करते हैं तो इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद मैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ बता सकती हूँ इसके ऊपर। एक मैं थोड़ा सा मैप टाइप आपको बता देती हूँ, यहाँ पर कभी काम आ जाए आपको तो थोड़ा सा समझा देती हूँ इसको। यहाँ पर ये अलास्का है, अब ये अलास्का है और उसके बाद इस तरफ वाला एरिया जो है वो पैसिफिक ओशन का है, मान लो पैसिफिक ओशन, और ये अलास्का वाला रीजन कनाडा की तरफ है, कनाडा की तरफ, और इस तरफ कहीं ना कहीं फ्रेसियर रिवर है। ये यहाँ पर बना देते हैं हम फ्रेसियर रिवर, और इस तरफ आप समझ लो इधर कहीं यूएसए, ये समझ में आ रहा है, ये पैसिफिक ओशन है। तो ये कनाडा यहाँ पर है, यूएसए यहाँ पर है, और अलास्का यहाँ है, पैसिफिक ओशन है। तो इस पैसिफिक ओशन से ये कनाडा और यूएसए की फ्रेसियर रिवर वाला जो पोर्शन है वहां तक ये कहीं ना कहीं आती है। और एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था आर्थर, आर्थर 1960 की बात है, आर्थर ने स्टडी किया था माइग्रेटरी रूट ऑफ पैसिफिक सामन और कहा था जो सैमन होती है वो नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन में रहती है और माइग्रेट कर ब्रिटिश कोलंबिया की फ्रेसियर रिवर तक जाती है और वहां पर ब्रीडिंग शो करती है। तो ये ब्रिटिश कोलंबिया की फ्रेसियर रिवर आपने देख ली, यहाँ पर मैंने बनाई है। फीमेल सामन जो होती है वो एग्स जब ले करती है तो रिवर बेड के ग्रेवल में ले करती है और वहां आकर मेल जो होते हैं वो स्पर्म को रिलीज करते हैं और वहां उन्हें फर्टिलाइज करते हैं। अब थोड़ी बहुत डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो डेवलपमेंट कैसा होता है सामन के अंदर, जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, शुरुआत कैसे हो रही थी, फीमेल ने ये यहाँ पर एग्स ले करे, फीमेल ने ले करे और उसके ऊपर मेल्स ने स्पर्म को रिलीज किया, फर्टिलाइज हो गए, फर्टिलाइजेशन हुआ यहाँ पर। फर्टिलाइजेशन होकर जो ये छोटे एग्स होते हैं सामन के, उसमें से छोटे से बेबीज बाहर आएंगे, उनको हम क्या कहते हैं, स्मॉल सामन कहते हैं हम उनको। छोटी सामन बाहर आती है और ये छोटे सामन के अंदर जो लार्ज अमाउंट योक का रहता है वो देखने को मिलता है जो उनके एग से मिला था। तो इस स्टेज को कहते हैं एलेविर स्टेज, ये वाली स्टेज होती है एलेविर स्टेज, क्योंकि इसमें उनके अंदर स्टेज, ये एक और ई आ रहा है, योग अच्छा अमाउंट में पाया जाता है, एलेवर स्टेज। उसके बाद इनमें थोड़ी और ग्रोथ होती है, इनके अंदर जो बचा कुचा योग था आपको पता होगा कि ये एग होता है, एग का पीछे येलो वाला जो पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम योग कहते हैं, और एग के बाहर वाले पोर्शन को, व्हाइट पोर्शन को हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन हुआ, छोटे सामन बाहर भी आ गए, हैचिंग हुई, यहाँ पर हैच हुए एग्स और उसमें से छोटी सामन बाहर भी आ गई, लेकिन इनके अंदर योक का कंटेंट अच्छा खासा पाया जाता है और इस स्टेज को एलिवेट स्टेज कहते हैं। लेकिन ये जब और डेवलप करते हैं तो योक का कंटेंट अब क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है या रीएब्जॉर्ब होता है, खत्म होने लगता है, और ये जो लार्वा थे यानी एलिवेट स्टेज के जो लार्वा थे उनका साइज अब 3 to 5 सेंटीमीटर हो जाता है। अब जो स्टेज आती है वो 3 to 5 सेंटीमीटर साइज की हो जाती है। इस लार्वा को अब क्या कहते हैं, ये लार्वल स्टेज थी, ये लार्वा था, एलिवर स्टेज में लार्वा था। अब ये वाली जो स्टेज होती है इसको कहते हैं फ्राई, फ्राई बन चुका है। फ्राई जो होते हैं वो और फर्दर डेवलप करके एक और नई टर्मिनोलॉजी बनाते हैं जिसको कहते हैं फिंगरलिंग। क्या कहते हैं इसको, फिंगरलिंग कहते हैं। और ये जो फिश रहती है ये एक फिंगर से बड़ी नहीं होती, अगर आप आपकी खुद की भी फिंगर देखेंगे इस फिंगर से बड़ी फिंगरलिंग का साइज नहीं होता, तो फिंगर जितनी होती है इसलिए इसको फिंगरलिंग कहते हैं, समझ वाली बात। फिंगरलिंग जो रहती है वो रिवर के अंदर रहती है, कहाँ रहेंगी, रिवर के अंदर रहेंगी, कब तक रहेंगी, तब तक रहेंगी यानी कि 1 साल तक रहती है, 1 ईयर तक।
1 ईयर तक ही रिवर में ही रहती है, जहां स्पॉनिंग होती है रिवर में वहीं 1 साल तक ही रहती है। इस पीरियड में ये जो यंग फिश थी, फिंगरलिंग थी, वो थोड़ी सी डेवलप करती है, खाना खाती है, अच्छे से ग्रो करने लगती है, और किस चीज में चेंज हो जाती है, स्मोल्ट में बदल जाती है। अब स्मोल्ट 1 साल के बच्चों को कहते थे, हमने बात की थी 1 ईयर बच्चों भी नहीं बल्कि एडल्ट हो जाते हैं, 1 ईयर का एडल्ट जो होता है स्मोल्ट, 1 साल तक ये रिवर में रह ली, 1 साल का जब स्मोल्ट हो जाएगा तो वो एडल्ट कहलाएगा, स्मोल्ट बन जाते हैं। स्मोल्ट एक ऐसी स्टेज है जिसमें वो मेच्योर हो जाते हैं, मेच्योर हो। कुछ स्पीशीज होती है सामन की, वो घर पर पूरा साइज अटेंड करने के बाद ही पहुंचती है, यानी 1 साल के बाद भी वो कुछ टाइम तक रिवर में और डेवलप होते हैं, फिर वो वापस घर की तरफ यानी ओशन की तरफ जाते हैं। कुछ ऐसी स्पीशीज होती है, और जो ऐसा करती है जो पूरी अच्छे से ग्रो होकर फिर ओशन की तरफ जाती है, उसके एग्जाम्पल में पिंक सामन के एग्जाम्पल ले सकते हो। फुल ग्रो करके जो जाती है, फुल ग्रो करके ओशन में जो जाती है, उनका एग्जाम्पल बता रही हूँ, ओ गौर बुश पिंक सामन। फिर कुछ एटलांटिक सामन स्पीशीज होती है जैसे सालमो सालर, वो सेक्सुअल मैच्योरिटी 7 साल में उनके अंदर आती है, फिर 7 साल बाद जाती है वो, समझ में आ रही है, 7 ईयर्स बाद। सामन सारा जो है ना, सामन सालर ये जो है ना, ये 7 साल तक कहाँ रहती है, रिवर में ही रहती है, फिर रिवर से ओशन में जाती है, इतना लंबा टाइम यहाँ पर बिता देती है। फिर जब ट्रेवल करती है रिवर से सी तक, तो बहुत सारे रास्ते में पाथ आते हैं, टर्न्स आते हैं, वाटरफॉल्स आते हैं, उन सबको पार करके अपने होमलैंड तक, अपने घर यानी कि ओशन तक पहुंचती है। यंग सामन जो रहती है वो सी तक तब तक नहीं आती जब तक उनके अंदर सॉल्ट सिक्रेटिंग सेल्स डेवलप ना हो जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो स्मोल्ट है ये ओशन तब तक नहीं जाएंगे जब तक इनमें क्या ना आ जाए, सॉल्ट सिक्रेटिंग सेल्स ना आ जाए। सॉल्ट सिक्रेटिंग सेल्स बहुत जरूरी है, वरना इनमें ऑस्मो रेगुलेशन वाला प्रोसेस नहीं हो पाएगा। सेकेंड जनरेशन सामान की जो होती है वो अपनी बहुत सारी लाइफ सी में ही बिताती है, और इवेंचुअली फिर वो भी स्विम करके रिवर तक जाती है, वो भी वहां पर स्पॉनिंग परफॉर्म करती है। अब ये यहाँ पर पूरा टॉपिक सामान का जो माइग्रेशन था वो कंप्लीट हो गया, इसके बाद मैं माइग्रेशन ऑफ हिल्सा आपको बताऊंगी, और अभी फिशेज का माइग्रेशन ओवर नहीं हुआ है, मैं थोड़ा अच्छे से इसको आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, इसलिए अभी मैंने सिर्फ सामन के ऊपर फोकस करा। अब एक क्वेश्चन लास्ट में आपके लिए कि हाउ बॉडी ऑफ सामन प्रिपेयर फॉर फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर, किस तरह से सामन की बॉडीज फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों में रहने के लिए अपने आप को तैयार करती है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, आप 2 मिनट के लिए आप आपके माइंड में सोचिए, अगर आपको आंसर आता है तो ठीक है, वरना मैं आंसर भी इसी वीडियो में आपको बता देती हूँ। जब माइग्रेशन होता है तो उससे पहले क्या होता है, देखिए शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, हम तो पहले सबसे पहले यहाँ कलर चेंज कर लेंगे, तो ये कलर ठीक रहेगा, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बार सी से रिवर की तरफ जब सामन जाती है, उस टाइम पर सामन का जो ब्रेन होता है, सामन का ब्रेन वो क्या करता है, स्पेशल हॉर्मोन्स को बनाने लगता है बॉडी के अंदर। क्या बनाता है, स्पेशल हॉर्मोन्स। ये शुरुआती वाला माइग्रेशन है, ठीक है, और इस टाइम में स्पेशल हॉर्मोन्स को बनाता है, परहैप्स रिएक्टिंग टू द चेंजिंग डेलाइट और टेम्परेचर। भले कितना भी डेलाइट बदल जाए, टेम्परेचर बदल जाए, फिर भी स्पेशल हॉर्मोन्स को बनाया जाता है उसकी बॉडी में। ये जो हॉर्मोन्स रहते हैं वो सामन की जो किडनी होती है, पहले ब्रेन ने हॉर्मोन बनाए और इन हॉर्मोन ने क्या करा, जो किडनी होती है सामन की किडनी, उसको ऐसा बना देते हैं कि वो बॉडी सॉरी ब्लड फ्लूइड्स को प्रोसेस कर सके, प्रोसेस, समझ में आ रही बात, और ज्यादा ब्लड को कॉम्पेटिबल बना सके कि वो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में रह सके। तो यानी इसकी किडनीज को रेडी कर दिया जाता है कि ये फ्रेश वाटर में यानी कि रिवर के अंदर आसानी से अपनी जिंदगी को जी पाए। और जब ये रिटर्न होने लगते हैं, यानी कि अब ये वाला केस कौन सा था, ये तो सी से रिवर का था, जब रिवर में पहुंच गए, अब रिवर से वापस सी की तरफ जाना है यानी इमिग्रेशन करना है, वापस घर की तरफ आना है, उस टाइम पर क्या होता है, अगेन इनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो रिटर्न जर्नी में यही हॉर्मोन्स जो होते हैं वो इनकी बॉडी को हेल्प करते हैं कि वो इस एनवायरनमेंट में हेल्प अडेप्ट कर जाए और हाई सॉल्ट कंटेंट में जी पाए। तो ये सारा खेल किसका है, हॉर्मोन्स का है, हाई सॉल्ट कंटेंट। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर मैंने आपको यहाँ दे दिया है, तो अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन आपको पढ़ के बताऊंगी, हाउ बॉडी ऑफ सामन प्रिपेयर फॉर फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर। ठीक है, क्वेश्चन अब इसका आंसर लिखिए, Before migration from the sea to fresh water, the salmon's brain begins to send special hormones to the body, perhaps reacting to the changing daylight or temperature.
Some of these hormones change the way the salmon's kidney process blood fluids, making the blood more compatible with the freshwater environment. In return, journey hormones also help the body to adapt in an environment with a high salt content. तो यहाँ पर पूरा माइग्रेशन जो था सामन फिशेस का वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट माइग्रेशन जो रहेगा वो हिल्सा का रहेगा, और अगर वैसे इतना बड़ा नहीं हिल्सा का, एक काम करते हैं हम इसी वीडियो में थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, हिल्सा को भी इसी में कवर कर लेते हैं हम लोग यहाँ, तो ज्यादा बड़ा नहीं, इससे एक थोड़ा सा और थोड़ा सा बियर करें मेरे साथ आप भी। सो इस टाइप से थोड़ी थोड़ी हिल्सा इस टाइप की दिखती है, अगर नेट पर सर्च करेंगे ना डायग्राम तो आप सबके मिल जाएंगे, पर एक थोड़ा आइडिया लग जाए आपको। तो मैं यहाँ पर हिल्सा को ड्रॉ करूँ, तो हिल्सा के बारे में सुनिए। हिल्सा नॉर्मली एक इनहेबिटेंट है, यानी कहाँ रहती है, बे ऑफ बंगाल जो है इंडिया का, बे ऑफ बंगाल आपको पता है ना इंडिया का मैप में बे ऑफ बंगाल कहाँ होता है, तो बे ऑफ बंगाल जो है वहां पर रहती है ये माइग्रेशन मतलब सॉरी हिल्सा फिश। और ये एक तरह की माइग्रेटरी इंडियन फिश है जो कि एनाड्रोमस माइग्रेशन शो करती है, ये भी सेम एनाड्रोमस में ही है। एनाड्रोमस का मतलब आपको पता है कौन सा होता है, जब फिशेज ब्रीडिंग परफॉर्म करने के लिए ओशन से रिवर की तरफ जाती है उसको हम एनाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। ब्रीडिंग सीजन के दौरान हिल्सा जो होती है वो कहाँ जाती है, वो गैंजेस में जाती है यानी गंगा के अंदर आती है और फ्रेश वाटर में पहुंचती है। तो रहती कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल, एक तरह का ओशन हो गया, ओशन से कहाँ जाना है, रिवर में जाना है, और कौन से रिवर में जाती है, गैंजेस में आती है। गैंजेस, गैंजेस को हिंदी में गंगा कहते हैं, गंगोत्री भी कह सकते हो, जो भी कहो गैंजेस कहते हैं, ठीक है। और ट्रेवल करती है बे ऑफ बंगाल से गैंजेस की तरफ, और गंगा का भी कौन सा रिवर, गंगा तो पूरे इंडिया के मैप में बहुत सारे एरियाज में रहती है, तो गंगा का कौन सा रीजन, बिहार और यूपी वाला, बिहार और यूपी ये दो एरिया जो है गंगा के वहां तक पहुंचती है, समझ में आ रही बात आपको। और वहां पर जब पहुंच जाती गंगा रिवर के अंदर, तो वहां पर ये सारा जो स्पॉनिंग का प्रोसेस है वो परफॉर्म करेंगी। और ऐसा भी देखा जाता है जो संगम है अलाहाबाद का, यानी यूपी स्टेट ऑफ इंडिया के वहां पर जो संगम है अलाहाबाद का, वहां पर भी देखने को मिलती है। और जो फरक्का डैम है, मैं सारे नाम लिख देती हूँ आपको ताकि आप भूलें नहीं, अलाहाबाद, एक तो अलाहाबाद, दूसरा फरक्का डैम, फरक्का डैम, ये सारी एरियाज में ये मिल जाती हैं। और थोड़ी सी ये जो फरक्का डैम है ना, ये इनका माइग्रेटरी बिहेवियर जो है फिशेस को उसको डिस्टर्ब करती है, अच्छा थोड़ा सा बीच में उसका एक जो फ्लो है वो रोकने की कोशिश करती है, डैम थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। और जो हिल्सा फिश होती है वो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे है, यानी कि किसी भी टाइम ये एक्सटिंक्ट हो सकती है, इस दुनिया से खत्म हो सकती है, गायब हो सकती है, तो ये खतरे में भी है। तो ये आपको पूरा मैंने माइग्रेशन ऑफ हिल्सा, इससे ज्यादा आपको पता होना भी नहीं चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट था तो मैंने यहाँ बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग माइग्रेशन ऑफ ईल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ईल जो है वो कौन सा माइग्रेशन शो करती है, कैटाड्रोमस करती है, इसलिए हम उसको नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में लेंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा यू नो ग्रास्प करना ईजी हो जाएगा वो। तो मैं यहाँ पर इसको यहीं पे लीव करूंगी आज के लिए, और फिश के माइग्रेशन आई होप आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट होगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर बर्ड्स का माइग्रेशन हुआ तो वो स्टार्ट करेंगे, वरना टर्टल्स का माइग्रेशन स्टार्ट करेंगे, तो जो भी होगा देख लेंगे। अभी तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग स्टॉप करेंगे वीडियो सेगमेंट को, और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल था सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।